ठीक है। केस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है कि अर्जुन और शंखचूर्ण एक दूसरे से दूर है। इतना बड़ा छल किया महाबली अस्तिका ने मेरे साथ, और इस छल में तुमने उनका साथ दिया। छल में इसे मेरी वफादारी समझी, क्योंकि जब आप महाबली अस्तिका के खिलाफ नहीं जा सकते तो मैं कैसे जा सकती। यूरी, हम तो डर ही गए। एक पल के लिए लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। वैसे नूरी, क्या तुमने देखा था कि तुम पर हमला किसने किया? नूरी, हमें लगता है कि ये हमला उसी बहरूपिये ने किया होगा। पता नहीं, लेकिन ये जख्म बहुत अजीब है। नूरी, ज्यादा मत सोचो, जो हो गया उसे भूल जाओ। और वैसे भी हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और हाँ, जब तक उस बहरूपी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी। नूरी, हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। चलो, अब आराम कर लो। कहाँ चला गया? अभी तो इधर ही था। ढूंढो ढूंढो, देखो, संभाल के देखो। मिला साहब, मिला। मारो, ओए मारो, जल्दी आ साहब, जल्दी मार दो। इन सांपों ने तो जीना हराम कर रखा। देर सवेर कहीं निकल भी तो नहीं सकते इन सांपों की वजह से। क्यों भाइयों? मैं तो कहता हूँ जहाँ सांप दिखे वहीं मार लो। क्यों भाइयों? अब इस सांप को ले जाके कहीं जला देते हैं। हाँ भैया, चलो ले चलते हैं। ले चलते हैं। इन सांपों ने तो जीना हराम कर रखा। मैं तो कहता हूँ जहाँ सांप दिखे वहीं मार लो। क्यों भाइयों? चाची, अर्जुन कहाँ है? क्या हुआ चाची? पागल बने, लोगों का डर मेरे अर्जुन को जीने नहीं देगा। कभी भी मेरे अर्जुन पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी खुश कर ले लोगों के लिए। और अर्जुन, अर्जुन तो नाग है, और वो हमेशा नाग ही रहेगा असना। और जिस दिन इन लोगों को पता चल जाएगा ना, तो देखना, वो अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं, असना वो हमारे अर्जुन को मार देंगे। जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो क्या ये रहस्य रहेगा? कभी ना कभी अर्जुन की शक्तियां जग जाहिर हो ही जाएंगी। और मुझे डर है
कहीं उसकी शक्तियां उसकी उसकी दुश्मन न बन जाए। इसलिए अर्जुन का यहां से जाना ही ठीक रहेगा। इसमें यहाँ के लोगों की और उसकी ही भलाई है। पर चाची अर्जुन क्यों जाएगा? ये उसका घर है चाची, ये उसका शहर है। और उसने कुछ गलत नहीं किया चाची, और ना ही वो कभी किसी के साथ गलत कर सकता है। मैं मानती हूँ असलम, मैं मानती हूँ कि मेरे अर्जुन ने कभी कोई गलत नहीं किया है, और ना ही वो कभी करेगा। लेकिन वो शैतानी ताकतें वो फिर से पृथ्वी लोक में आएंगी, फिर से तबाही मचाएंगी, और अर्जुन को परेशान करने के लिए वो लोगों को परेशान करेंगे। तू जानता है असलम, वो फिर से आ सकते हैं, और एक बार वो आ गए ना, सारी अमरोली में तबाही मच जाएगी, पूरी पृथ्वी लोक में तबाही मच जाएगी। असलम नहीं मचेगी तबाही चाची, अर्जुन है ना हमारे साथ, वो जब तक है हमें कुछ नहीं होगा। और आप उसे भेजने की बात कर भी कैसे सकते हो? क्योंकि माँ हूं मैं उसकी। मैं उसकी चिंता करती हूँ। असलम तो उसका आज देख रहा है, लेकिन मैं अर्जुन का कल देख रही हूँ। और उसे यहां से जाना होगा। इतना बड़ा चल गया महाबली अस्तिका ने मेरे साथ। कहा था ना मैंने कि महाबली अस्तिका को केवल अपने उस मानव पुत्र अर्जुन की चिंता है, और अर्जुन की चिंता थी इसीलिए उर्नी को भेजा उसकी मदद करने के लिए। अगर उर्नी नहीं आती वहां तो अर्जुन की मृत्यु तय थी, और वो नूरी को बचा नहीं सकता। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। शंकरचूर शांत हो जाओ। कितनी बार समझाया आपको, अपने क्रोध पर काबू पाइए, और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। शंकरचूर वो लड़का अर्जुन शास्त्री बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। अब उसे हरा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं, संभव होता अर्जुन को मारना। वो केवल इसीलिए जीवित है क्योंकि महाबली अस्तिका की इच्छा है। शकचू, हर चीज का एक समय होता है, स्थान होता है, और हो सकता है कि ये समय अर्जुन की मृत्यु का नहीं था, और इसीलिए वो हमारे वार से बच गया। शकचू, जब तक वो लड़की नूरी और अर्जुन में गलत फहमिया है, उसे हरा पाना संभव होगा। लेकिन अगर वो दोनों एक हो गए ना शकचू, तो हम उस लड़के अर्जुन को कभी हरा नहीं पाएंगे। बस हमें उन दोनों के बीच इन दूरियों को बनाए रखना है, और फिर उसी का फायदा उठाना है। शंकरचू, नहीं असलम, अर्जुन यहां पर रहेगा ना तो उसकी जिंदगी को भी खतरा है, और पूरी अमरोली को खतरा है, और ये मैं नहीं होने दूंगी। रुक जा वहीं पर अर्जुन। चाची क्या हो गया है? मां कोई गलती हो गई मुझे। अर्जुन इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चला जा यहां से। चाची 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 प्लीज आप दरवाजा खोलिए, उसको अंदर आने दीजिए ना चाची। मां दरवाजा खोलिए ना। मां